रांची के अरगोड़ा में सड़क के किनारे चाय की दुकान चलाती ये है दीप्ति। दीप्ति राष्ट्रीय तीरंदाज रह चुकी हैं। अब तक के करियर में उन्होंने अचूक निशानी से 50 से अधिक मेडल अपने नाम कर सूबे का नाम रोशन किया है। इन दिनों अपने लिए खरीदे गए धनुष का लोन चुकाने के लिए वो चाय बेचने के लिए मजबूर हैं। ये धनुष दीप्ति ने वर्ल्ड कप में जाने के लिए खरीदा था। 4.5 लाख रुपए में खरीदा गया ये धनुष वर्ल्ड कप के कैडेट ट्रायल में ही टूट गया है और इसके साथ ही दीप्ति की आंखों में विश्व कप खेलने का सपना भी टूट गया। घर की माली हालत तो वैसे ही ठीक नहीं है और ना ही माता पिता की सेहत। दीप्ति का परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। माँ ने महिला समिति से पैसे उधार लेकर 4.5 लाख रुपए का धनुष खरीदा था। इसके बाद तीर और अन्य ज़रूरतें भी पूरी की गईं, जिसमें 3.5 लाख रुपए का कर्ज माँ को लेना पड़ा था। कर्ज की ये रकम सूद समेत साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। दीप्ति को उम्मीद है कि सरकार उनकी सुध लेगी और वो अपने जीवन के अंधेरे से निकलकर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में कामयाब हो पाएंगी। दीप्ति की चाय की दुकान पर चाय पीने वाले लोग भी चाहते हैं कि दीप्ति फिर से तीरंदाजी में लौटे, दुनिया में अपनी पहचान बनाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि खुद को खिलाड़ियों की हिमायती बताने वाली सरकार दीप्ति की कितनी मदद कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज। हम लोग बराबर उनका दुकान पे चाय के लिए आते हैं, पीते हैं, है ना। हम लोग चाहेंगे कि उनका प्रोत्साहन मिले सरकार की ओर से और वो अपना फिर से अपने खेल के ऊपर ध्यान दें सरकार। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है।